हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इससे पहले आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्या सब? सबसे पहले पढ़े आप लोग बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद लॉजिक गेट। ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है आपका, ओके? तो सर उसमें जितने भी चीज़ें थे ऑलमोस्ट मैं अपने एंड से कवर कर लिया हूँ। बस जो आपके एंड से बचा होगा अभी तक, दैट इज़ योर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चाहे वो तो रिवीजन करने का प्रैक्टिस हो, चाहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो, चाहे हो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये जितना कीजिएगा उतना ही ज़्यादा होगा आपका परफेक्शन, और आप उतना ही ज़्यादा उस कंसेप्ट पे परफेक्ट हो जाइएगा, ओके? तो होपफुली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को, जितना भी बोला जा रहा है हम लोगों के एंड से उस चीज़ों को एनालाइज करते होंगे और उस पर वर्क कर रहे होंगे, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लॉजिक गेट में एंड बुलियन अलजेब्रा में सारा कुछ बता दिया हूँ। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस पर ऑलमोस्ट दो मैराथन सेशन भी हो चुका है। चैप्टर वन पे दो मैराथन सेशन और चैप्टर टू पे मैराथन सेशन, तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम चल रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर 03, दैट इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या है सर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट? इसमें सर क्या पढ़ेंगे? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट, ओके? देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या सब पढ़ना है आपको, आपको रोड मैप जब आया होगा तब तो मैं बताया ही हूँ, सब कुछ बताया हूँ, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को किस वे में किस तरह से कैसे और कैसे कवर करूँगा। लेकिन आज मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ये चैप्टर नंबर थ्री जो है दैट इज़ योर कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसमें मैं कवर करूँगा आपका सबसे पहले एडर। एडर का दो पार्ट, फुल एडर हाफ एडर। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सबस्ट्रैक्टर, सबस्ट्रैक्टर का फुल सबस्ट्रैक्टर हाफ सबस्ट्रैक्टर, ओके? इसी तरह से फर्दर आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कंपैरेटर, ओके? फिर कंपैरेटर के बाद पढ़ेंगे इनकोडर डिकोडर, इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, कॉम्बिनेशनल में अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा फिक्स है, जो चाहे वो गेट एग्जाम हो, चाहे वो ESE एग्जाम हो, चाहे वो BARC एग्जाम हो, चाहे वो ISRO एग्जाम हो, अगर कोई भी पोर्शन को कवर करता है और किसी भी पोर्शन पे अगर फोकस करता है, दैट इज़ योर मल्टीप्लेक्सर, जिसे आप शॉर्ट में मक्स भी बोलते हो, ओके? तो मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ेंगे, उस पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप होंगे, 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 60:1 मल्टीप्लेक्सर, उतना नहीं पढ़ना है, उतना पूछता भी नहीं है, ओके? लेकिन बेसिक बेसिक में जो यूज आएगा उतना मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। मेरा मेन फोकस है क्वेश्चन को हिट करना, और जो जब फोकस क्लियर होगा ना, बस उसी हिसाब से चीज़ों को मैं डिजाइन करके बताने वाला हूँ आपको। और आपको ये चीज़ दिख गया होगा चैप्टर वन कवर किए होंगे, तो चैप्टर टू कवर किए होंगे, तो क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको इस लेक्चर को कवर करने के लिए, उतना चीज़ें डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, ओके? फिर मल्टीप्लेक्सर पढ़ लेंगे, उसके बाद कवर करेंगे हम डी मल्टीप्लेक्सर, ओके? फिर डी मल्टीप्लेक्सर के बाद रिपल कैरी एडर, ये क्या होता है, फिर इसके बाद कुछ क्या होता है देखेंगे हम, इसके बाद कुछ डीले का जो कॉन्सेप्ट होगा ये भी साथ में बताऊंगा मैं आपको, जो अगर डीले आ जाएगा तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। कॉम्बिनेशनल में कुछ डीले का आएगा क्वेश्चन, दिखाऊंगा मैं आपको कैसे आता है, उसको भी हैंडल करना सिखाएंगे। फिर इसमें फर्दर जब आगे मूव कर जाइएगा तो लास्ट में पढ़ना पड़ेगा आपको लुक कैरी अहेड जनरेटर, एक होता है लुक कैरी अहेड जनरेटर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसको जो सर्किट डायग्राम है इसका वर्किंग कैसा होता है सारा कुछ। इसके बाद एज यूजुअल सबको पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो करते ही जाएंगे प्रैक्टिस, उस पर बेस्ट, और लास्ट में पूरे कॉम्बिनेशनल का होल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे सारे चीज़ें रिकॉल हो जाएगा, सारे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके? तो ये हुआ मेरा मेन मोटिव कॉम्बिनेशनल को कवर करने का, आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट का सबसे पहला टॉपिक और सबसे मज़ेदार टॉपिक, दैट इज योर एडर। क्या सर? एडर। एडर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, बेसिक आइडिया तो लेना पड़ेगा ना कॉम्बिनेशनल को, फिर तो चलेंगे ना एडर पे। सर एडर क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो पहले देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। सही बात है, अब जब कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे जानेंगे उसको तभी तो इससे आगे पढ़ पाएंगे ना। तो देखिए एक कोई सर्किट है, ये मान लीजिए कोई सर्किट है जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट तो होगा क्या इसमें, ये देखिए सिंपल मैं सर्किट है तो क्या अभी तक क्या पढ़ रहे, कोई भी जो गेट पढ़े उसमें क्या होता है, इनपुट होता है, उसके हिसाब से कुछ आउटपुट देता है, उसमें जो लॉजिक होता है
जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसमें, जैसे और गेट लगाए तो और लॉजिक को परफॉर्म करेगा, एंड गेट है तो एंड लॉजिक को परफॉर्म करेगा, यही तो होता था ना अभी तक। अब देखिए ये एक सर्किट है तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, इनपुट होगा, इसमें क्या होगा, इनपुट होगा, चलिए इसमें इनपुट होगा कुछ ना कुछ, इनपुट होगा और उसी हिसाब से कुछ ना कुछ क्या होगा, आउटपुट भी होगा सर, बिल्कुल सही बात है, इनपुट भी होगा आउटपुट होगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट किस केस में बोलेंगे सर, आप तो बोल रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो ये तो सब में होता है, इनपुट होता है आउटपुट होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट, सुनिएगा अच्छी से स्टेटमेंट को ध्यान से, कॉम्बिनेशनल सर्किट उस सर्किट को बोलेंगे जिसका आउटपुट केवल और केवल इनपुट पे डिपेंड करता हो। क्या? ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट केवल और केवल इनपुट पे डिपेंड करता हो, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या है कोई मतलब नहीं, उसका पास्ट वैल्यू क्या है उस कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, मतलब आउटपुट जो डिपेंड करेगा वो टोटल इनपुट पे डिपेंड करेगा, टोटल इनपुट पे डिपेंड करेगा, इस बात को याद रखना, टोटल और टोटल किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल इनपुट पे डिपेंड करेगा, न ही कोई पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, न ही कोई फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करेगा, न ही कोई फीडबैक लगा होगा इस सर्किट में, तभी होगा ये सर्किट। कौन सा सर्किट, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट। सर ऐसा सर्किट होता क्या है, एग्जांपल दो आप, तो एग्जांपल के लिए हो गया एडर, सब्सट्रैक्टर। एडर क्या करता है सर, तो दो जो इनपुट, मान लो इनपुट पे दो देंगे, दो इनपुट लगा देंगे, दोनों को ऐड करके आउटपुट पे देगा। तो सिंपल सी बात, किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, मान लो जीरो और जीरो को ऐड किया तो जीरो आया, यही तो आता है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जीरो और जीरो को, मान लो वन और वन को ऐड किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो बेसिक्स जानते होंगे आप लोग, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लास्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन इतना तो जानते होंगे। और वन और वन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन और वन को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, और कैरी कितना, वन बच जाएगा कैरी, यही तो होता है ना। तो ये हुआ क्या, सम, और ये हो गया इसका कैरी, तो वन और वन को ऐड किया तो सम इतना आया जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एडर का कोई सर्किट है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें इनपुट मान लो ए है और बी है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर ये हाफ एडर है तो क्या आएगा आउटपुट, ये सम आएगा, ये कैरी आएगा, सी है, सस। सम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इसी तरह से होगा, तो ये सारी चीजें देखो, इस तरह का सर्किट होगा, एडर का सर्किट होगा, इसमें क्या कर रहा है, जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, तो आउटपुट जो आ रहा है वो केवल इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे, इससे पहले क्या वैल्यू था, फ्यूचर में क्या वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको किससे मतलब है, केवल प्रेजेंट वैल्यू से मतलब है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो कॉम्बिनेशन सर्किट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रेजेंट वैल्यू ओनली ओके, नो फीडबैक प्रेजेंट, इसमें कोई फीडबैक नहीं रहेगा, नो फीडबैक प्रेजेंट, इसके बाद नो पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू, इसमें कोई पास्ट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगा, समझ रहे हैं, नो पास्ट वैल्यू एंड नो फ्यूचर वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जब ये सिंपल आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, ये मेमोरी लेस डिवाइस होगा, इसमें कोई मेमोरी ही नहीं होगा, मेमोरी होता तभी तो उसमें डिवाइस करके रखते रहता, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का होगा। तो मेमोरी वाला डाटा किसमें पढ़ेंगे आगे, जब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज सिक्वेंशियल, वो मेमोरी वाला डिवाइस होगा, पास्ट के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा और क्या बोलते हैं फ्यूचर के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, वो देखेंगे उसको, मेमोरी लेस डिवाइस या सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होगा, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ओनली, नो फीडबैक प्रेजेंट, नो पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू, मेमोरी लेस डिवाइस, और एग्जाम्पल के लिए लिख लेना एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, यही सब ईटीसी कर देना। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बेसिक आइडिया, ओके। अब जब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सिक्वेंसर, वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा आपको कॉम्बिनेशनल को कंपैरिजन करके सिक्वेंशियल से, कॉम्बिनेशनल किस तरह से सिक्वेंशियल से अलग है, दोनों चीज़ को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा जब हम सिक्वेंशियल पढ़ेंगे तब। कॉम्बिनेशनल के बारे में इतना जानना आपको अभी ज़रूरी है, ओके। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा होपफुली आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे सर,
तो इसमें पढ़े हैं ना एडर सब्सट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर डिकोडर, ये जितना पढ़े हैं सबके बारे में आपको स्टडी करना है ढंग से, उसका कंस्ट्रक्शन भी इवन पढ़ना है आपको, जो कैसे बनता है, कितना गेट लगता है, क्या क्या लगता है, कौन सा गेट लगता है, सारा कुछ। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशनल फिनिश, मतलब बेसिक फंडा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या सर? तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एडर। अब बनाओ एडर। एडर एडर में दो टाइप होगा, एक होगा हाफ एडर, हाफ एडर, और एक होगा फुल एडर। फुल एडर, एक होगा हाफ एडर, एक होगा फुल एडर। तो सबसे पहली बात सर, एडर क्या होता है? तो नाम से ही देख रहा है क्या होता है, एडर मीन्स ऐसा डिवाइस, ऐसा सर्किट जो कि इनपुट को ऐड करके आउटपुट पे रिफ्लेक्ट करे, यही तो होता है ना एडर मीन्स। क्या इनपुट जो भी देंगे उसको ऐड करके आउटपुट पे आउटपुट देगा। तो मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें इनपुट है, यहाँ है एडर लगा हुआ और यहाँ कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा, ये इनपुट पोर्शन है, ये आपका आउटपुट पोर्शन है। ओके, तो इनपुट पे कुछ दे रहे हो तो आउटपुट पे कुछ आ रहा है, यही आ रहा होगा आपको। अब देखो ये इनपुट पे और ये आउटपुट पे आ रहा है, लेकिन सर आप तो एडर में दो चीज़ पढ़ा रहे हो, क्या क्या दो चीज़ पढ़ा रहे हो? एक बता रहे हो फुल एडर, एक बता रहे हो हाफ एडर। तो हम समझेंगे कैसे जो कौन सा फुल एडर होगा कौन सा हाफ एडर होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है आपको, आना जायज है ये कुछ क्वेश्चन को। ये देखना फुल हाफ एडर तब होगा, और हाफ एडर क्या होता है अभी मैं बता भी रहा हूँ आपको। हाफ एडर तब होगा इसमें दो इनपुट होगा, टू इनपुट एंड टू आउटपुट। हाफ एडर इट हैज टू इनपुट एंड टू आउटपुट। लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो लिख लो हाफ एडर, इसमें पहला पॉइंट इट हैज टू इनपुट एंड टू आउटपुट। इसका दो इनपुट होगा दो आउटपुट होगा। अब सिंपल सी बात है, दो इनपुट और दो आउटपुट होगा तो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका नाम दे दो हाफ एडर। हाफ एडर नाम क्या है, होगा ही हाफ एडर, क्योंकि इसमें दो इनपुट है तो एक इनपुट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब आउटपुट में क्या आएगा, तो अभी बताए थे सम आएगा जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक कैरी आएगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या सी इन लिख देते हैं इसको। ओके, सी इन नहीं, सी आउट इनपुट पे नहीं है, इनपुट वाले को ये लिख दो सी आउट लिख दो इसको, आउटपुट टर्मिनल पे, इसीलिए सी आउट लिख देते हैं, मिस कैरी आउट। ओके, तो ये मिलेगा। अब इस सम को और इस कैरी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सही बात है, जब जैसे हर अभी तक जितना पढ़ते हैं आए हैं, जितना भी लॉजिक गेट था उसमें इनपुट था, इनपुट है और ये आउटपुट है, तो उसके बिहा पे तो ट्रूथ टेबल भी बनता था ना, तो यहाँ पे भी तो ट्रूथ टेबल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो आप। देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका। अब ये बताओ यहाँ पे इनपुट पे कितना है ए और बी, मतलब दो वैल्यूएबल है, दो ही वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल से कितना टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, तो टू टू दी पावर एन, तो टू टू दी पावर टू, दैट इज फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या सब अभी देख लेते हैं, ए और ये हो गया बी। ओके, यही है, तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, इसके बाद वन वन, ये तो ये हो गया, इसके बाद हो गया आउटपुट। ओके, आउटपुट में क्या हो जाएगा, तो सम है सर, कैरी है, सम है और ये क्या है, कैरी है, ये है आपका इनपुट टर्मिनल, ये दोनों है इनपुट। अब सम और कैरी होता कितना है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सम और कैरी होगा कितना, यहाँ पे सम और कैरी कितना होगा, जैसे ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है। तो जो सम का एक्सप्रेशन होता है, जो सम करता है, वो तो पता है दो नंबर का अगर सम करोगे तो क्या आएगा, ये तो आपको पता है, इतना मान लो नहीं पढ़ाए हम नंबर सिस्टम, लेकिन इतना बेसिक्स तो आपको पता होगा, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो। सिंपल सी बात है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इतना तो किए ही होगे, इतना बेसिक पता होगा, और सिंपल सी बात है पता होगा आपको आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जीरो जीरो को ऐड करते हैं तो कितना होता है, जीरो ही होता है, और कैरी कितना, यहाँ जीरो ही बचेगा, जीरो जीरो का ऐड करें जीरो, कैरी भी जीरो बचेगा। जीरो वन को ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन, सम का मतलब ये होता है ना, कैरी कितना, जीरो। वन और जीरो को ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन, और कैरी कितना, जीरो। वन और वन को ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन तो आएगा, सॉरी देखना यहाँ पे, वन और वन को ऐड करेंगे तो कितना आता है, वन और वन को तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, एक तो जीरो आएगा और यहाँ पे क्या, कैरी वन बच जाएगा,
यही होता है, जब एडिशन परफॉर्म करते हो फिर वो और ऑपरेशन मत करने लग जाना। अब और ऑपरेशन करोगे तो वन और वन का और लोगे तो वन ही होता है। यहाँ मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, अब प्लस करने वो अलग बात है, लेकिन मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ एडर है। देख लो एडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक और एक को जब जोड़ोगे इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप सिंपल बुलियन अलजेब्रा इसको बाहर से भी देखो, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा से, तो देखो क्या होता है, एक और एक को जोड़ते हो तो कितना होता है, दो होता है। जोड़ में तो यही होता है ना, तो यहाँ देखो एक और एक, एक और एक को जोड़ोगे तो दो, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे आप तो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, या तो जीरो होता है या तो वन होता है। तो टू को तो फिर तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, तो टू को जब बाइनरी में लिखोगे तो कितना लिखोगे, वन और जीरो ही तो लिखोगे ना, ऐसे ही तो लिखोगे वन और जीरो। टू वेरिएबल के फॉर्म में, टू बिट के फॉर्म में क्या लिखोगे, टू को अगर कन्वर्ट करोगे वन जीरो के फॉर्म में, मीन्स बाइनरी के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे वन जीरो। तो देखो यहाँ पे वन जीरो आया कि नहीं, वन और वन को ऐड किए, तो ये जोर है यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो वो चीज़ भी वैलिड हो जाती है। लेकिन जब बाइनरी में चीज़ों कर रहे हो तो बाइनरी में ही करना है सब कुछ, तुमको मिक्सअप नहीं करना है कॉन्सेप्ट को। इसीलिए वन और वन को ऐड करोगे तो सम जीरो होगा और कैरी वन बच जाएगा, तो सम जीरो और कैरी वन। ठीक, इतना आ रहा है समझ में, चलो अब चलते हैं आगे। अभी देखना ये दिक्कत नहीं होगा आपको, ये समझा दिया मैं। अब इसका हम एक्सप्रेशन यहाँ से लिखेंगे बुलियन फंक्शन, क्योंकि हम पता है जब भी हमको ट्रू टेबल पता होता है तो वहाँ से हम एक बुलियन फंक्शन निकाल लेते हैं जो कि टूल होता है, उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर गेट करते जाओ। बार बार क्यों ऐसा करना लगे, ये ट्रू टेबल बार बार थोड़ी ना बनाते रहेंगे हम, जितना बार एक बार पढ़ रहे हैं तो हम बता देते हैं, बाकी हम इसे कर लेंगे। तो अब सबसे पहले क्या है, सम और इसके बाद कैरी, तो करते हैं पहले सम का बनाते हैं, कैरी का नहीं, पहले सम का। सम का केमैप बनाओ, केमैप बनाते हैं तो क्या जीरो और वन, तो जब नॉर्मली बात करते हैं तो एसओपी फॉर्म में ही बात करते हैं, तो एसओपी फॉर्म में किसका केयर करते हैं, वन का केयर करते हैं। तो बनाते हैं इसका केमैप, दो वेरिएबल है तो कितना बॉक्स का केमैप बनेगा, कितने सेल का केमैप बनेगा, एन बराबर टू है तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल होगा कितना, टू टू दी पावर एन, दैट इज टू, दैट इज फोर सेल का केमैप। बना दो भैया, ए इधर बी इधर, बी बार बी, ए बार ए, इधर जीरो इधर वन इधर टू इधर थ्री, ओके। अब देखो सम में वन वन कहाँ है, जीरो वन मीन्स वन पे, और वन जीरो मीन्स टू पे, वन और टू पे क्या है, वन और टू पे क्या है, वन वन है, यही तो है, वन और टू पे कितना है, वन वन है। तो अब देखो इसका नेमिंग करना है बस तुम्हें, यहाँ क्या ग्रुपिंग तो कर नहीं सकते हो, पेयर तो बना नहीं सकते हो, ग्रुपिंग करोगे तो क्या, ये तो सिंगल का बनेगा, ये भी सिंगल का करेगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार बी, और इसका नेम क्या हो जाएगा, ए बी बार, यही होगा। तो सम इक्वल टू क्या आ गया, सम मीन्स एस इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, इसी को क्या बोलते हो, ए एग्जॉर बी, यही तो बोलते हो ना, ए बी बार प्लस ए बार बी को क्या बोलते हो, ए एग्जॉर बी, एग्जॉर गेट का एक्सप्रेशन है इन डिटेल फॉर्म में, ये हो गया सम का एक्सप्रेशन। तो अब बोलेगा टू इनपुट नहीं, हाफ एडर के केस में अगर इनपुट ए बी है तो सम का एक्सप्रेशन कितना आएगा, तो क्या बोलोगे, ए एग्जॉर बी, या फिर इसी को एक्सपेंड कर दोगे तो ए बी बार प्लस ए बार बी। ये तो हो गया केवल सम का एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन आया। अब कैरी का भी निकालना है मुझे, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे शायद, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। कैरी का बना लेते हैं, देखिए कैरी कहाँ कहाँ है, टू वेरिएबल फोर सेल का केमैप, इधर ए बनेगा इधर बी बनेगा, ये हो रहा बी बार, ये रहा बी, ये ए बार, ये रहा ए, क्योंकि एस ओ पी फॉर्म में चीज़ों को डील कर रहा हूँ, टू थ्री, ये सब चीज़ें अच्छे से कर रहा हूँ। कैरी में क्या है, वन एक ही बार है, कहाँ पे, वन वन पे मीन्स थ्री पे, थ्री पे केवल वन है तो एक ही बार सिंगल ही बनाएगा, और इसका नेम रखेंगे तो क्या है, ए और बी, यहाँ से तो क्या हो जाएगा ए बी, तो कैरी जो होगा जिसको सी ऑट नेम देते हैं, क्योंकि आउटपुट पे यही है ना कैरी, सी ऑट बोले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ए इज़ टू बी, यही तो होगा ना, ए इज टू बी। तो इसका एक्सप्रेशन अगर कोई पूछेगा आपसे तो क्या बोलोगे, ए बी या ए इज टू बी। अब देखो हाफ हेडर में सम का, देखो दो इनपुट हुआ, सबसे पहले हाफ हेडर का देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है। हाफ हेडर में दो इनपुट होगा, दो आउटपुट होगा। अब इनपुट दो है, आउटपुट भी दो है। अब आउटपुट पे जो दो टर्मिनल है वो तो इंपॉर्टेंट है। अब इनपुट अगर मान लो ए बी है
तो आउटपुट पे जो सम का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज योर ए एक्सॉर्ड बी, और कैरी का एक्सप्रेशन आएगा वो ए इज टू बी। ओके, अब इसको देखते हैं डिजाइन कैसे करेंगे, जो लॉजिक गेट हम पढ़े हैं अभी लास्ट चैप्टर में उसके भी आप इसको डिजाइन कैसे करेंगे, देखते रहना डिजाइनिंग पोर्शन का इंप्लीमेंटेशन जा रहे हैं करने के लिए सर्किट से, इसीलिए वहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट था ये सब चीज़ें। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल से देखो दो है इनपुट, यही तो दो इनपुट है ना, एक को ए और एक को बी, और इसको तुमको ले जाना है क्या बनाना है, एक्सॉर गेट से पास करोगे तभी जाके क्या बनेगा, ए एक्सॉर बी बनेगा, दैट इज योर सम, दैट इज योर ए एक्सॉर बी, ये तो इससे बन गया। अब इसी को अगर तुम यहाँ से पास कर दिए ए को, कौन सा गेट लगा दिए, यहाँ एंड गेट लगा दिए, और ये बी को ले लिए, तो यहाँ से जो पास किए थे ये क्या हो गया सी ऑट, यहाँ लिखो सी ऑट दैट इज इक्वल टू ए इज टू बी। देखो सम हो गया एस इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और सी ऑट कितना हो गया ए बी, और ये जो सर्किट है ये पूरी तरह से ऐसे बॉक्स के अंदर रहेगा। देखो दो इनपुट और दो आउटपुट दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों इनपुट ये दोनों आउटपुट, ये जो है दैट इज योर हाफ एडर सर्किट हो गया। तो कोई बोलेगा हाफ एडर सर्किट में कौन कौन सा गेट लगा होता है, तो एक एग्जॉर गेट और एक एंड गेट लगा होता है, और दोनों किस में है, देखो पैरेलल में है कि नहीं, दोनों पैरेलल में है कि नहीं, दोनों इस तरह से लगा होता है, कौन कौन सा गेट, एक एग्जॉर गेट और एक एंड गेट लगा होता है, किस में, हाफ एडर के केस में। तो इतना बातें आपको याद रखना है, क्या क्या एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, हाफ एडर में दो आउटपुट होगा दो इनपुट होगा, ठीक, इनपुट का एक्सप्रेशन, इनपुट अगर ए भी है तो आउटपुट पे दो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज योर सम और कैरी, तो सम का जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज योर ए एक्सॉर बी, ओके, और कैरी का जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज योर ए इज टू बी। अब इसी को तुमको अगर इंप्लीमेंट करना है, बोलेगा हाफ एडर में कौन कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ है, तो एक्सॉर गेट एंड नैंड गेट दोनों पैरेलल फॉर्म में लगा हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, चीजें और क्लीन हो जाएगी, थोड़ा और इसको आगे देखते हैं फिर मैं क्वेश्चन पे स्विच करूंगा। ओके चलो, तो लिख देना यहां एक लाइन और लिख लेना इस चीज को, वन हाफ हेडर इक्वल टू वन एग्जॉर गेट प्लस वन एंड गेट, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये आपको मतलब याद रहना जरूरी है, स्टार मार्क है, काम आएगा ये सब पे क्वेश्चन आया हुआ, मैं दिखाने वाला हूँ आपको, क्योंकि जितना चीज़ें याद रखोगे ना तुम उतना फास्ट क्वेश्चन को कर ले जाओ, तुम्हें उतना सोचना नहीं पड़ेगा, वैसे कैसे करोगे याद, इसलिए मैं उसका बेसिक ऑपरेशन भी, अब ये सब कहाँ से आया मैं बता दिया, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था ए एक्सॉर बी या ए बी कैरी का जो था, लेकिन मैं तुमको चीज़ें दिखा दिया जो कहाँ से आ रहा है ये भी जान लोगे तो मान लो एग्जाम में कभी तुमको कन्फ्यूजन आ गया तो तुम ड्राइव कर लेना आराम से, पीछे का स्टोरी पता रहेगा तुम्हें। तो इतना अगर करना है, टाइम सेव करना है, एग्जाम में एक्सेलेंट परफॉर्म करना है, तो बहुत सारी चीज़ें खासकर ईएससी एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया किसका बात, हाफ एडर की बात हो गया सर। अब तो दूसरा एडर भी है तैयार, फुल एडर, ये था हाफ एडर, ये है फुल एडर, सिंपल सी बात है, उसमें दो इनपुट था, इसमें तो बढ़ जाएगा ना, ये फुल एडर है, बड़े भैया है ये, तो फुल एडर कितना होगा ये देखो, फुल एडर में तीन इनपुट होगा दैट इज योर ए बी, और एक सी वाले भैया भी आएंगे, और दो आउटपुट ही रहेगा, आउटपुट दो ही रहेगा, क्योंकि क्या यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ऐड ही कर रहा है सबको, तो पता है क्या ऐड करेगा तो एक तो सम देगा दूसरा कैरी देगा, ये क्या है, ये फुल एडर का सर्किट, एफ ए लिखते हैं शॉर्ट में, ये हो गया सम और ये हो गया कैरी, इसको बोलते हैं सी ऑट, और इस सी को जो बोलते हैं, ये जो सी है इसको सी इन बोलते हैं, कन्फ्यूज मत करना, इसीलिए मैं लिख दे सी ऑट और यहाँ पे सी इन, कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए, देखो ए बी सी इन इज द इनपुट ऑफ दिस फुल एडर, आउटपुट इज सम एंड कैरी, सम को लिखते हैं एस से और कैरी को लिखते हैं सी ऑट से। ओके, तो ये हो गया इनपुट, ये हुआ आउटपुट, इसमें बनेगा ट्रूथ टेबल, इसमें ही बनेगा ट्रूथ टेबल, वैसे ही जैसे हाफ एडर के लिए पढ़े, बनाते हैं, बनाना तो पड़ेगा, तो कितना है ए नहीं, उधर बनाते हैं, अच्छी तरह से दिखेगा आपको, उधर बनाते हैं, ये ए बी और सी, ये हो गया आपका इनपुट टर्मिनल, पता है तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 to the power 3 दैट इज योर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। ओके, देखते रहो कैसे, ये हो गया सम,
और ये हो गया कैरी, जिसको सी ऑट बोलते हो, इसको सी इन नाम दे दो। अब देखो क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉम्बिनेशन टोटल। अब देखो एस में क्या करना, कुछ नहीं, बस वही ऐड ही करना। सममित क्या होता है, ऐड ही करना होता है ना। तो देखो वैसे भी क्या होता है, तुमको हम शुरुआत से ही बता रहे हैं, ऐड जब करोगे तो एक बार में दो ही नंबर को ऐड कर सकते हो, तो एक बार में फिर दोनों को ऐड करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड करो, मतलब दो ही को ऐड करना पड़ता है। अब तुमको मान लो, फिर से मैं बता रहा हूँ बार बार, कितना बार बताएं, 1 + 2 + 5 + 6 करना होगा। तो कोई बोल देगा सर 6 5 11, देखो कैसे 6 5 11 2 13 1 14 यही आया। अब देखो करते क्या हो, तुम पहले 1 और 2 को ऐड करो 3, फिर 3 को 5 में ऐड किया, दो ही नंबर को ऐड करोगे ना। 3 और 5 कितना 8, और 8 को फिर 6 से ऐड करोगे तो 8 और 6 कितना 14, तो 14 तो आ गया रिजल्ट। एक बार में दो ही नंबर को तुम ऐड कर रहे हो, तो सिमिलर काम यहाँ पे भी करना है तुम्हें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक्स है बस, इसलिए बार बार बता चुका हूँ इसको। ये देखो पहले 0 0 को ऐड करोगे 0, फिर 0 को 1 0 से ऐड करोगे कितना होगा 0 आएगा, कैरी कितना आया 0 आया, ये तो आया। अब देखो 0 को 0 से ऐड करोगे 0, और 0 को 1 से ऐड करोगे 1, ये आ जाएगा 0। 0 से 1 को ऐड करोगे 1, और 1 को 0 में ऐड करोगे कितना आएगा 1, और ये आ जाएगा 0। 0 से 1 में ऐड करोगे 1, और 1 को 1 से ऐड करोगे सम तो आएगा 0, लेकिन यहाँ कैरी भी आएगा 1, क्योंकि बताए 1 में 1 को ऐड करोगे, देखो 1 से 1 को ऐड करोगे तो क्या आता था, ये 0 और ये 1, तो ये सम हो गया, ये कैरी हो गया। ओके, फिर 1 में 0 को ऐड करोगे 1, और 1 में फिर 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, ये 0। 1 में 0 ऐड करोगे 1, और 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सम तो 0 होगा लेकिन यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1। 1 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 0, कैरी 1, तो कैरी तो 1 आ गया। फिर 0 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा 0 आएगा, बस बेसिक सा फंडा है। 1 में 1 ऐड करोगे कितना 0 आएगा सम, और कैरी कितना आ जाएगा 1, फिर 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, ये हो गया कि नहीं। अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है 0 0 में से ऐड करने में, 1 1 से ऐड करने में, कितना दिख रहा है इसमें 0 1 1 4 1 4 0, ये दिख रहा है ना 4 1 और 4 0। इसमें भी देखो तो कितना 4 0 4 1। अब कैसे किए हैं, तो कुछ नहीं, बस देखो पहले इस दोनों को ऐड किए, फिर इसको ऐड किए, फिर इसको ऐड किया, इसको यहाँ पे भी देखो 1 1 को ऐड किए तो कितना आ गया 1 1 को ऐड करेंगे कितना 0 आएगा सम में, तो 0 यहाँ लिखे कैरी में 1 लिख दिया, फिर 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, कैरी तो 0 ऑलरेडी है, तो वहाँ तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे 1 लिख चुके हैं, तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, चलो चलते हैं आगे। अब इसका क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, क्या बनाना है इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। चलो ट्रूथ टेबल बना लिया, अब क्या बनाना है, सम और कैरी का यही एक्सप्रेशन बनाना है, तो यही बनाओगे, क्या बोलते हैं के मैप बनाओ इसका, सिंपल था के मैप। बहुत लोगों को एक बात हम बताए हुए थे जब एग्जॉर गेट बताए हुए थे, उसी चीज से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, ए बी सी, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, यही बताए थे ना। अब देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक। अब देखो सबसे पहले सम का बना, ये सम का ही बना रहे हैं, तो सम पे कहाँ कहाँ है, देखो 1 2 4 और 7 पे है, 1 2 4 7 ये है ना, गलत है ना बना हुआ, यहाँ होता है ना 6, यहाँ होता है 7, तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखो क्या करना है, पेयरिंग ही करते हैं, तो पेयरिंग करोगे तो क्या होगा, दिस सिंगल ही बनेगा, दिस, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सबको सिंगल ही बनाना पड़ेगा। अब जब सिंगल नेमिंग करोगे तो क्या करोगे, नहीं इसका नेम क्या हो जाएगा, ए बी बार सी बार, इसका नेम क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी, इसका नेम क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार, और इसका नेम क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब जब सबको लिखोगे एक साथ एस इक्वल टू कितना
ए बार, सॉरी पहले इसको लिखो, इसको ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार। अब इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे फर्दर बुलियन फंक्शन से, जैसे सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम पाओगे ये आ रहा है ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी। सर ये आप कैसे लिख दिए, ये कहाँ से लिख दिया आप, इसको तो सॉल्व करके दिखाइए आप। सॉल्व करना तुम्हारा काम है, बुलियन फंक्शन की तरह इसको लेके सॉल्व करना आएगा, मैं बोल रहा हूँ आएगा, बिलीव रखो थोड़ा सा। कॉमन लेना, दो को कॉमन लेना करोगे इतना ही आएगा। ये मैं क्यों लिख दिया हूँ ये समझना, जब तुमको एग्जॉर गेट पढ़ाए हुए थे तो तुमको मीन टर्म में फंक्शन याद करवाए थे, क्या था वो, सिग्मा एम इक्वल टू 1247। जब थ्री वेरिएबल का था, एग्जॉर गेट एग्नोर गेट पढ़ाए थे, कॉपी पलटना, वहाँ पे मैं बताया हुआ था ये मीन टर्म याद रखना, ये थ्री इनपुट एग्जॉर गेट का मीन टर्म लिखा हुआ है, देखो 1247, तो थ्री इनपुट यही तो है, ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी, और यही होता है क्या, सम एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर, फुल एडर का सम एक्सप्रेशन यही होता है, ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी, याद रखना हमेशा। एस का जो होता है कितना होता है, ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी, ये याद रखना, और मीन टर्म में याद रखना 1247, बहुत काम आने वाला ही है तुमको। उस टाइम में मैं बोला था आगे दिखाऊंगा इसका यूज, दिख गया ना, अभी तो यही दिखा, आगे भी दिखेगा, ठीक। ये तो हो गया किसका एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन सर। अब थोड़ा कैरी का भी एक्सप्रेशन देख लो, कैरी का भी एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कोई दिक्कत, कैरी का भी देख लो। यह है कैरी का एक्सप्रेशन, ए बी सी, बाकी कैसे लिखते हैं पता है तुम्हें, बी बार सी बार बी बार सी बी सी और बी सी बार ए बार ए 0 1 2 3, तुम्हें भी याद रहेगा ये सब चीज़ें, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा ट्रिक कैसे याद रखना, ट्रिक क्या, वो रिजल्ट जो लिख रहा है वही ट्रिक है अपने आप में, और कुछ करना ही है नहीं है तुम्हें। कैसे, ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यही तो है ना थ्री, अच्छा अच्छा ये गड़बड़ बना, यहाँ होगा 0 1 2 3 3, ठीक है, थ्री के बाद कितना 5 6 7, कितना है 5 6 7, सही तो बना है, गड़बड़ कहाँ, 5 6 7, यही तो है, ये थ्री ही है, देखो 0 1 2 3 थ्री पे है, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, सही बना है 5 6 7। सर ये आपका, ये आपको डायरेक्ट कैसे लिखते, याद कैसे है, मुझे याद है, मैं तो याद किया, प्रैक्टिस से याद होगा। ये देखो, इसको पेयरिंग करो, इसको पेयरिंग करो, इसको पेयरिंग करो। अब देखो तीनों ग्रुप जो फिर फॉर्म किए हो यहाँ पे, ये तीनों वैलिड पेयर है कि नहीं ये देखना है। कैसे देखते हैं, देखते हैं सर, हर एक ग्रुपिंग में एक टर्म एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो एक ही बार सर्किल हुआ हो, चेक करो यहाँ पे, देखो इसमें चेक करोगे तो ये एक ही बार हुआ है, मतलब ये वैलिड ग्रुप है, इसमें देखो ये एक ही बार हुआ है, ये भी वैलिड हो गया, इसमें देखो ये एक ही बार हुआ है तो ये भी वैलिड हो गया। अब इसका नेमिंग करोगे तो क्या दोगे, इसका नाम ए, और यहाँ से क्या, यहाँ से ए, और ये इसमें क्या बी, तो क्या ये क्या हो जाएगा ए बी, इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए और यहाँ से क्या सी, तो ए सी, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बी सी। अब देखो कैरी का जो आएगा, जिसे सी ऑट बोलते हो, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो आएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही आएगा एक्सप्रेस, ओके। अब इसका दूसरा भी फॉर्म होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, लेकिन इसको एक और फॉर्म में करते हैं, तो इसको एक और फॉर्म में करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसी का दूसरा अनदर फॉर्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अनदर फॉर्म में भी लिखा रहता है आपको, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो सर किस फॉर्म में रहेगा, आपको एक दूसरा फॉर्म में रहेगा, कैसे ये देखना, लिखा रहेगा ए बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस, देखो ये लिखा ए बी प्लस सी इंटू सी इंटू ए एग्जॉर बी, ए बी प्लस सी इंटू ए एग्जॉर बी। अब देखो सी को बहुत जगह क्या लेता है, सी को सी इन लिख लेता है, तो तुम कंफ्यूज मत करना, सी को सी मानो या सी इन मानो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही है, सी इन मान लो, देखो यहाँ पे इसीलिए दो बार, एक को सी आउट एक को सी इन मान लिया, तो उसमें कंफ्यूज मत कर जाना तुम,
बाकी ये सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे सी मानो, अब ए बी सी नहीं मानेगा, एक्स वाई जेड मान लेगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा क्या? वही वैल्यू तो है ना, जो इनपुट पे कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम ए बी माने, ए बी सी इन माने, इसलिए हम सी इन रिप्लेस कर दिए इसको, और देखो सी इन से रिप्लेस कर दिए, बाकी वैल्यू इसका सेम रहेगा। तो अनदर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी को, सी ए को ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत करना। अब ये कैसे आता है, तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे ए बी है तो इसमें क्या मिसिंग है, सी इन मिसिंग है, तो सी प्लस सी इन प्लस सी इन बार जैसे करते हो उससे रिप्लेस करके सोल्व करोगे तो इतना आएगा, तो उसको नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में याद कर लो, ये फॉर्म तो है ही, ये तो जनरल दिखेगा, अभी कभी जब मोल्ड करेगा क्वेश्चन को तो इस फॉर्म में डाल देना। तो ये समझना कैरी का एक्सप्रेशन दिया गया है फुल एडर का, ओके, इसीलिए मैं इस एक्सप्रेशन को भी लिख दिया हूँ। आ गया समझ में? चलो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब तो सर ये तो लिख दिया आप, अब थोड़ा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो दिखा दीजिए ना, जैसे उसका दिखाए थे, बिल्कुल दिखा रहे हैं, वही तो दिखा रहा हूँ मैं, वही तो मैं दिखा रहा हूँ, काहे टेंशन लिए पड़े हो, देख लो। तो सबसे पहले देखो सम का क्या था एक्सप्रेशन, ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी, कैरी जिसको सी ऑट बोलते हो उसका क्या था एक्सप्रेशन, ए बी प्लस सी इन इंटू ए एग्जॉर बी, ये इसी को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, यही लिखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, अब करते हैं इसको हम ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे ड्रॉ देख लो। ए एग्जॉर बी लेना है तो सबसे पहले ए और बी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ए और बी के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एग्जॉर बी, तो यहाँ से आ गया ए एग्जॉर बी, ओके। अब देखो केवल सम का बना रहे हैं, यहाँ से केवल सम का बना रहे हैं, अब देखो सम के साथ साथ कैरी भी, तो ये हो गया कितना ए एग्जॉर बी यहाँ पे आया केवल, लेकिन अब तो सी भी तो लाना है मुझे, यहाँ तो केवल ए एग्जॉर बी आया, मुझे सी भी चाहिए, तो अब सी कैसे आएगा, सी कैसे आएगा, तो एक इनपुट सी तो लाना पड़ेगा ना, तो अब सी कहाँ से लाएंगे, तो सिंपल सी बात है भैया जी, इसको यहाँ पे एक और एग्जॉर गेट लगा दो, और ये जो सी इनपुट है उसको कहीं दिखा दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसको सी इन नाम दे दो। अब देखो क्या आ गया, यहाँ से यही तो आ रहा है ना, यहाँ पे सी इन, अब जो आउटपुट आ रहा है कितना ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी इन, यहाँ पे भी लिख दो सी इन, ओके, ये हो गया आपका किसका एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन हो गया। अब तो इसके साथ साथ कैरी का भी तो दिखाना पड़ेगा ना, ए बी प्लस सी इन इंटू ए एग्जॉर बी, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको, तो ये कैसे दिखाओगे, तो ए बी है तो सिंपल सी बात है ए यहाँ से आएगा, ए यहाँ से बीच में एंड गेट, इसको देखे कुछ याद आ रहा है, इसको देखे कुछ याद आ रहा है तुम्हें, हाँ सर याद तो आ रहा है, क्या याद आ रहा है जल्दी बताना, एक एग्जॉर गेट और एक एंड गेट, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां पे ए बी आ रहा है, यहां एक जोर बी आ रहा है, क्या है ये, यही तो था हाफ एडर अभी तो पढ़े हो, यही तो था हाफ एडर अभी जस्ट पढ़े हो तुम, और अभी भूल गए, अब देखो यही तो था हाफ एडर, इस सर्किट का अगर नाम देते, पेन चेंज कर लेते हैं, तो यही तो था, क्या था हाफ एडर, एक एग्जॉर गेट और एक एंड गेट, और दोनों किस में कनेक्टेड था, पैरेलल में कनेक्टेड था। अब देखो यहां से तो आ रहा है ए बी, यहां से तो ए बी आ रहा है, और यहां पे क्या जाएगा सी इन, तो सी इन यहां से आ रहा है, सी इन यहां से आ रहा है, यहां से सी इन जा रहा है, अब दोनों को क्या करना है, ए एग्जॉर बी और सी इन को क्या करना है, ए एग्जॉर बी, तो इसको अभी होल्ड रखो, ये यहां से आ रहा है, देखो ए एग्जॉर बी यहाँ से आ रहा है, देखना सर्किट का कनेक्शन सही से, इस दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे, इस दोनों को सी इन और ए एग्जॉर बी, यहाँ पे एग्जॉर गेट तो लगाएंगे ना, एग्जॉर गेट कहाँ से हुआ है, एक ए एग्जॉर बी यहाँ पे आया है, ए एग्जॉर बी, कुछ नहीं सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं हम, और यहाँ से क्या है सी इन आया है, तो आउटपुट पे क्या आएगा, ये तो एग्जॉर गेट ही लगा है, सॉरी एग्जॉर नहीं और लगाना है ना, एग्जॉर तो ले चुके हैं, और लगाएंगे तभी तो प्लस होगा ना, नहीं नहीं नहीं
प्लस थोड़ी ना करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉरी सॉरी, इस दोनों को मैं सी इन और ए क्रॉस बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लाना है। देखो ये तो मल्टीप्लाई है ना, तो एंड गेट लगेगा ना, तो ये देखो यही था ना, दिस और दिस, बीच में कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा। अब जो आएगा आउटपुट कितना आएगा, सी इन इंटू ए एग्जॉर बी। ये तो ये मिला के, ये मिला, लेकिन ये नहीं है। और इसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही ये दूसरा फॉर्म यूज होता है, और इम्प्लीमेंटेशन जब ये फॉर्म याद रखोगे तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इसलिए इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा गया, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन आसान हो। ये तो इतना आया है। अब इसमें क्या है, ए बी को क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। तो ए बी को ऐड कैसे करोगे, तो ए बी कहाँ से आ रहा था, देखो ए बी कहीं इधर से आ रहा था, इसको ऊपर लेके चले जाओ यहाँ पे, और इसके साथ क्या कर दो, और गेट लगाओ और यहाँ पे लेके आ जाओ। ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी सम नहीं, ये हो जाएगा कैरी, जिसको बोलते हो सी आउट। ये हो जाएगा ए बी प्लस सी इन इंटू ए एग्जॉर बी, और इसी का दूसरा फॉर्म है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, यही हो गया। अब देखो तुम, एक तो ये हाफ हेडर हो गया, अब देखो ये भी तो है हाफ हेडर, यहाँ भी तो यही चीज़ लगा है भैया जी, एंड गेट और एग्जॉर गेट, ये भी हो गया हाफ हेडर। और ये क्या, कौन सा गेट है, ये लगा है और गेट। मीन्स वन फुल एडर में टू हाफ एडर प्लस वन और गेट लगा हुआ होता है, एक फुल एडर में दो हाफ एडर कैसे, ये देखो, और वन और गेट। देखो ड्राइंग सही से बनाना, तुम कनेक्शन प्रॉपर ढंग से करना, ऐसा नहीं जो हिचपिच कर देना। मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, थोड़ा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कनेक्शन सही से किया हूँ। इसी ए एग्जॉर बी को यहाँ कनेक्ट किया हूँ एंड से, और फिर यहाँ से आ रहा है सी, तो सी इन इंटू ए एग्जॉर बी हो गया। और फिर इसको और ए बी को, ए बी जो यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है ए बी, ये वाला जो है लाइन, ये जो ए बी आ रहा है, इस दोनों को क्या और गेट के साथ अटैच करके ये फाइनल आउटपुट पर लेके चला गया। ओके, तो इस तरह से बस कनेक्शन करना है। तो आपको याद रखना है, फुल एडर के केस में थ्री इनपुट होगा, टू आउटपुट होगा। जो टू आउटपुट होगा, मान लो अगर इनपुट ए बी सी है, ए बी सी सी इन मानो, तो आउटपुट में जाएगा वो क्या होगा, सम आएगा, कैरी आएगा। तो सम का जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज योर ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी, वहाँ से मीन टर्म भी याद रखना, किस का सिग्मा एम, मतलब सिग्मा एम इज एस ओ पी फॉर्म 1 2 4 7। ओके, इसके बाद करोगे कैरी सी आउट का एक्सप्रेशन, तो सी आउट का दो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, नॉर्मली जनरलाइज होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबको याद रहता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट में जाओगे तो एक इसका वहीं से एक फॉर्म को निकाला जाता है, इसको इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करके कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्या ए बी प्लस सी इन इंटू ए एग्जॉर बी, यही देखो यहाँ लिखा हुआ। ये इसीलिए करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। देखो इसी से इसको इम्प्लीमेंट किया, इसका यूज नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरह सर्किट दिख रहा है एग्जॉर गेट ऑलरेडी, इसमें उसका हम यूज़ कर लिए। यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास प्रेजेंट है उसको यूज़ करने में मुझे कोई बुराई नहीं है। ओके, तो ये हो गया पूरा फाइनल, फुल एडर कंप्लीट, हाफ एडर कंप्लीट। अब चलते हैं एक नोट पॉइंट लिखाते हैं, फिर मैं स्विच करूँगा क्वेश्चन पे, और आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा अभी क्लियर हो जाएगा आपका। अभी सब क्लियर, अभी देखते रहो इस लेक्चर में, सब क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक नोट लिख लो, नोट क्या है सर, नोट लिख लो, एक नोट, नोट लिख लो, टू रियलाइज एन बिट फुल एडर, लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग लिखने में, टू रियलाइज एन बिट फुल एडर, टू रियलाइज एन बिट फुल एडर विल रिक्वायर फुल एडर, विल रिक्वायर एन माइनस वन हाफ एडर एंड टू रियलाइज एन बिट फुल एडर विल रिक्वायर एन माइनस वन हाफ एडर एंड एन माइनस टू और गेट, एन माइनस टू और गेट। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, सर इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, एन माइनस वन क्या है, देखो की टर्म समझना, यहाँ पे
बार बार मैं बता रहा हूँ की टर्म को तुम्हें हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखो एन बिट फुल एडर अगर रहेगा, एन बिट फुल एडर, तो एन माइनस वन हाफ एडर, एन माइनस वन हाफ एडर और एन माइनस टू क्या और गेट। और ये दोनों इसीलिए इम्पोर्टेंट है, कैसे ये देखना, और हमेशा याद रखो वेयर वेयर एन जो है, ये जो एन जो है, एन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल थ्री बिट। अब एन इक्वल टू वन बिट ही होगा, एन इक्वल टू वन हो जाएगा तो वन माइनस टू करोगे तो कितना माइनस वन और गेट कैसे लेके आओगे, एटलीस्ट जीरो भी और गेट नहीं लेके आ सकते। तो एटलीस्ट एन जो होगा वो ग्रेटर इक्वल थ्री होना चाहिए, तो लिख दो वेयर एन ग्रेटर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल थ्री बिट, एन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल थ्री बिट होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके ये मतलब सेटिस्फाई करेगा जो नोट लिखा गया। तो इस चीज़ को भी याद रखना, तुम इस चीज़ को भी याद रखना, यहीं पे लिख लेना। अब एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। तुम एग्जांपल नोट करो, इसको लिखना प्रोपाइगेशन डिले ऑफ, क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, प्रोपाइगेशन डिले ऑफ सिंगल हाफ एडर, सिंगल हाफ एडर एच ए इक्वल टू 20 नैनो सेकेंड एंड ऑड का, ऑड जो है ऑड का दिया है 5 नैनो सेकेंड, टोटल डिले इन इन 4 बिट फुल एडर इज। अब बताओ ये क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रोपाइगेशन डिले ऑफ सिंगल हाफ एडर, एक हाफ एडर है, हाफ एडर का दिया हुआ 20 नैनो सेकेंड डिले एंड और का दिया हुआ 5 नैनो सेकेंड डिले, टोटल डिले इन 4 बिट फुल एडर। तो सबसे पहले जब फुल एडर बनाओगे तो एक फुल एडर में कितना क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना, कितना क्या होता है मतलब कौन सा गेट कितना लगता है। तो पता है एक फुल एडर के केस में 2 हाफ एडर लगता है, एक और गेट लगता है, यही तो लगता था ना, एक फुल एडर में 2 हाफ एडर लगता है और एक और गेट लगता है। तो अभी तुमको जो नोट लिखाए हैं, नोट लिखा ही हुआ, ये देखो n बिट का फुल एडर होगा तो n माइनस वन हाफ एडर लगेगा और n माइनस टू फुल एडर लगेगा। और यहाँ पे देखो n का वैल्यू गिवेन है, n का वैल्यू यहाँ गिवेन है, कितना है सर 4 बिट, n बराबर 4 बिट दिया हुआ है तो इसमें हाफ एडर कितना लगेगा, n माइनस वन दैट इज 3 हाफ एडर लगेगा और गेट कितना लगेगा, और गेट कितना होता है n माइनस टू, यही तो होता है ना, मीन्स कितना 4 माइनस टू, 4 दिया है n का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2 और गेट लगेगा। अब देखो 2 और गेट लग रहा है, 3 हाफ एडर लग रहा है, अब जितना गेट लगेगा अगर एक का डिले पता है तो 3 का भी डिले पता कर लेंगे, 10 का भी डिले पता कर लेंगे, एक का पता होना चाहिए। तो एक का दिया हुआ हाफ एडर का डिले दिया है 20 नैनो सेकेंड और का डिले दिया हुआ, और गेट का डिले दिया हुआ है 5 नैनो सेकेंड, पूछ रहा है टोटल डिले इन 4 बिट एडर, तो टोटल में कितना लगेगा ये बताओ, 3 हाफ एडर लगेगा और कितना 2 और गेट लगेगा, टोटल को ऐड कर दो यही हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब देखो टोटल डिले निकालना होगा तो जितना सर्किट लगेगा सबका ऐड कर दो तो कितना लगा है, हाफ एडर कितना 3 हाफ एडर, एक का डिले कितना है 20 प्लस और गेट कितना लगा है 2 और गेट, एक का कितना है 5, तो इसको करो 23 60 और 60 और 10 79 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। इसमें डिले का कोई इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बस ये जानना था आपको अगर एक सर्किट का डिले दिया हुआ है तो उसमें टोटल सर्किट कितना लगा हुआ है ये अगर पता चल जाए तो टोटल डिले निकाल लेंगे बस। तो यही याद रखना है आपको n बिट फुल एडर में n माइनस वन हाफ एडर और n माइनस टू और गेट लगा होना चाहिए। अब ये सर n का है तो n नंबर ऑफ इनपुट ही तो होता है ना, जैसे देखो अभी 3 इनपुट था, 3 इनपुट ही तो था, अगर फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में कितना 3 इनपुट था, तो 3 को अगर 2 से माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 कितना 1 और गेट हुआ, और एक अगर माइनस करोगे n माइनस 1 हाफ एडर तो 3 में से 1 घटाओगे 2, तो देखो एक जो फुल एडर बनाए थे तुम, फुल एडर जो बनाए थे तो n का वैल्यू 3 था उसमें, तो कितना लगा था 2 हाफ एडर
प्लस वन और गेट लगा था ना, तो उसी यही से ये फॉर्मूला आया है, उसी को जनरल फॉर्म में इस चीज़ को लिखा गया है और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। थोड़ा डिले अटैच करके थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिया उसको और कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग जल्दी से आंसर करना बस। अभी तक जो पढ़े हो उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ तक हो गया थ्योरी वाला पोर्शन था, थ्योरी थ्योरी कवर। अब उठाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर वन, अ हाफ एडर, क्वेश्चन नोट करना है, हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, ए ऑप्शन दिया है, वन एग्जॉर एंड वन और गेट विद देयर आउटपुट कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वन एग्जॉर एंड वन और गेट विद देयर आउटपुट कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वन एग्जॉर गेट एंड वन एंड गेट। ओके, डी ऑप्शन है टू एग्जॉर गेट ओनली। जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है क्या ये दिया, टू एग्जॉर गेट, ए हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ये ऑप्शन दिया टू एग्जॉर एंड वन और गेट विद देयर आउटपुट कनेक्टेड इन पैरेलल, आउटपुट कनेक्ट, सॉरी एक मिनट, वन एग्जॉर, टू नहीं, वन एग्जॉर दिया गया, वन एग्जॉर एंड वन और गेट विद देयर आउटपुट कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों का आउटपुट पैरेलल में कनेक्टेड है ये बोल रहा है आपको। इसके बाद बोला वन एग्जॉर एंड वन और गेट विद देयर आउटपुट कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों का आउटपुट सीरीज में कनेक्टेड है। सी बोला वन एग्जॉर गेट एंड वन एंड गेट, क्या ये होगा? डी बोला टू एग्जॉर गेट ओनली। अब बताओ हाफ एडर के लिए कैसे कंस्ट्रक्टेड होता था, हाफ एडर, हाफ एडर कैसे बनाते थे? तो हाफ एडर के लिए सर एक सम होता था, एक कैरी होता था, दो इनपुट, तो सम का एक्सप्रेशन होता था ए एग्जॉर बी और कैरी का एक्सप्रेशन होता था ए बी। तो ए एग्जॉर बी में क्या होता था, ए एग्जॉर बी में क्या होगा? सिंपल सी बात है, दो इनपुट है तो दोनों को एग्जॉर लेंगे, यहाँ पे दोनों का एग्जॉर लेंगे ए और बी का, और ये क्या आ जाएगा, ए एग्जॉर बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों का जब एंड लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ए इज टू बी होगा। अब बताओ तुम, अब बताओ नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं चेक कर लिया आपको इस लैंग्वेज के फॉर्म से, ये हो गया ए बी और ये हुआ ए बी। अब बताओ क्वेश्चन को पढ़ना, ए वन एग्जॉर एंड वन और गेट विद देयर आउटपुट कनेक्टेड इन पैरेलल, इस दोनों का जो आउटपुट है क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? तो पैरेलल में कब कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कोई जैसे रेसिस्टेंस हुआ, ये मान लो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये पैरेलल में कब बोलते हो? जब देखो यहाँ का वोल्टेज क्या है, दोनों का यहाँ का यहाँ इंड का दोनों टर्मिनल का वोल्टेज सेम है ना, तभी तो बोलते हो ना, यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज क्या है दोनों का सबका, देखो इसका 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 जितना इसका इसका इसका, तभी तो ये तीनों पैरेलल में बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी तो ठीक है, लेकिन यहाँ अलग चीज़ आ रहा है, यहाँ अलग चीज़ आ रहा है, तो क्या ये दोनों पैरेलल में है, बोलेंगे इसको पैरेलल में? नहीं बोल सकते हैं ना, पैरेलल में तो नहीं बोल सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा, पैरेलल में है क्या? नहीं, ए ऑप्शन गलत है, ये तो सीरीज में तो है ही नहीं, सीरीज में तो बिल्कुल नहीं है, ये कनेक्ट वन एग्जॉर गेट एंड वन एंड गेट, पैरेलल सीरीज में हम बोल ही नहीं सकते हैं कुछ इस तरह से, और दिस इज नॉट करेक्ट।
टू एक्स नॉट गेट ऑलरेडी नहीं है, ये होता है हाफ हेडर का कनेक्शन, यही होता है ना हाफ हेडर का, हाफ हेडर का। अगर हम पढ़ाए होंगे जब हाफ हेडर, हो सकता है बोले होंगे ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल, गलत बोले थे, वो फ्लो मिस्टेक था, पैरेलल में नहीं होगा, कैसे देख लिया ना यहाँ पे पैरेलल में नहीं होगा, कैसे देखो इनपुट तो ये ठीक है, इनपुट यहीं से जा रहा है दोनों को, देखो ये तो इस टर्मिनल का पुट सेम है, तो इस पे भी तो सबका सेम होना चाहिए ना, इसका और इसका दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड होना चाहिए तभी तो मिलता ना, लेकिन इसका अलग है, ये तो कनेक्टेड दोनों अलग अलग ओपन ओपन है, आउटपुट यहाँ से अलग ले रहे हैं, यहाँ से आउटपुट अलग ले रहे हैं, तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड ही नहीं है, तो इस बात को याद रखना, और ऑप्शन में जब लैंग्वेज पढ़ना तो ढंग से पढ़ना, और ये देखिए आउटपुट कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट और सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। देखो लैंग्वेज जब भी देगा क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना, उसको बारीकी से समझना, हर कॉन्सेप्ट जो भी तुम जाने हो उसको यूज करने की ट्राई करना, क्योंकि हर लाइन में हर स्टेप में लिखा हुआ है वो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, फिर से एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ओके देखिए, बोला द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स ए एंड बी रिजल्ट्स इनटू अ सम एंड अ कैरी आउटपुट। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द सम एंड कैरी आउटपुट इज नहीं लिखा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन बना हुआ है, और यहाँ पॉइंट लिखा हो 1, 2, 3, 4 सम दिया हुआ है आपको ए बी प्लस ए बार बी बार, यहाँ पे सम दिया हुआ है ए बी बार प्लस ए बार बी, कैरी दिया हुआ है ए बी ही दिया हुआ है, और यहाँ पे कैरी दिया हुआ है ए प्लस बी। विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन क्वेश्चन ही है ये सब, आर करेक्ट, ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 एंड 3, बी ऑप्शन है 2 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 4, और डी ऑप्शन है 1 एंड 4, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो फिर आंसर टिक करना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को नोट करो, सबसे पहले पॉज करो वीडियो को, इसके बाद जल्दी से सॉल्यूशन बताना, कमेंट सेक्शन में तुम्हारा इंतजार रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब सॉल्यूशन देखना तुम आगे। द एडिशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स ए एंड बी रिजल्ट्स इनटू अ सम ए कैरी आउटपुट, मतलब दो है टू द एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर, अब दो बाइनरी नंबर सिंपल था ए और बी होगा मान लो, और इधर कैरी, सम होगा कैरी होगा, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है, दो इनपुट दो आउटपुट हाफ हेडर होगा, क्योंकि फुल हेडर में 3 इनपुट होता है 2 आउटपुट होता है, तो ये तो हाफ हेडर का केस हो गया, यहाँ क्लियर हो गया। अब जब हाफ हेडर का केस हो गया तो मुझे पता है सम का एक्सप्रेशन क्या होता है ए एक्स और बी, और कैरी का क्या होता है ए बी, यहाँ से तो क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, ए एंड बी रिजल्ट इन सम एंड कैरी आउटपुट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का शॉर्ट में लिखा गया है, फॉर द सम एंड कैरी आउटपुट, स्टेटमेंट वन दिया गया है सम इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स नॉर बी, उसी फॉर्म में लिखा गया, ये दिया है सेकंड ए बी बार प्लस ए बार बी, जिसको लिख सकते हो तुम अपने एंड से ए एक्स नॉर बी। ओके कैरी दिया हो ए बी और फोर्थ कैरी ए प्लस बी, पूछ रहा है विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर करेक्ट,
तो ये बताओ, ये तो सबसे पहले इनकरेक्ट है क्योंकि ये हाफ एरर है, तो ये होगा एक्जोर वाला करेक्ट हो जाएगा, और कैरी क्या ये करेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट है। अब देखो व्हिच ऑफ द दीज एक्सप्रेशन आर करेक्ट, तो वन एंड थ्री नॉट करेक्ट, टू एंड थ्री दिस इज करेक्ट। अगला देखते हैं, टू एंड फोर तो करेक्ट है, फोर वाला नॉट करेक्ट है, वन भी इनकरेक्ट है और फोर भी इनकरेक्ट है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, दिस इज करेक्ट। और यही क्वेश्चन में क्या करता, सेम क्वेश्चन रखता, तुमको सेम क्वेश्चन चार स्टेटमेंट देता और लिख देता यहाँ पे, देखना मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूँ, व्हिच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर नॉट करेक्ट, लिख देता नॉट करेक्ट ये लिख देता अगर, तो वन एंड थ्री तो वन तो करेक्ट नॉट करेक्ट है, थ्री क्या करेक्ट है, टू एंड थ्री तो टू और थ्री तो करेक्ट है, टू एंड फोर देखो टू कौन सा है फोर कौन सा है, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट, वन एंड फोर क्या है इनकरेक्ट, तो ये हो जाता करेक्ट ऑप्शन, तब इनका नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो वन और फोर क्या है नॉट करेक्ट है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करता नॉट करेक्ट, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में होता है तो हो सकता है नोट भूल जाता, देखता ही नहीं, और होता है इस तरह का गलतियाँ एग्जाम में करता है स्टूडेंट, जो चीज़ों को अपने आप प्री एज्यूम कर लेता है, उसके माइंड में प्री एज्यूम हो जाता है और आंसर गलत लेके आता है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और फिर जाके ऑप्शन टिक करना है, तुम्हें अपने आप सब कुछ कर ले जाओगे। तो ये हुआ ओवरऑल आज का लेक्चर नंबर वन कम्बिनेशनल सर्किट का, जिसमें मैंने एडर के बारे में जाना, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसको भी देखा। अब लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, तो आपको याद रखना है कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जो केबल और केबल प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करो, इसका आउटपुट दैट इज योर कम्बिनेशनल सर्किट, कोई इसमें फीडबैक नहीं होता है, कोई पास्ट वैल्यू नहीं होते, कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होता है, ठीक, मेमोरी लेस डिवाइस है, ये भी पता चल गया। एग्जाम्पल के लिए क्या एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, यही सब चीज़ें। इसके बाद पर एडर दो टाइप के होते हैं, फुल एडर, हाफ एडर। हाफ एडर में दो इनपुट होगा, दो आउटपुट होगा, इनपुट ए बी है तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा आउटपुट का सम और कैरी होगा, तो सम का एक्सप्रेशन होगा ए एक्सोर बी और कैरी का एक्सप्रेशन होगा ए बी। हाफ एडर के इसमें हाफ एडर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हमेशा याद रखना हाफ एडर जो बनता है उसमें क्या होता है, एक एक्सोर गेट लगता है और एक एंड गेट लगता है हाफ एडर को बनने के लिए। इसी तरह फुल एडर में चले गए तो फुल एडर में कितना, तीन इनपुट दो आउटपुट लगा। ओके, आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या हुआ, इनपुट मान लो ए बी सी है तो आउटपुट जो सम होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी देगा, कैरी होगा वो कितना देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी को अगर दूसरा फॉर्म में लिखें तो ए बी प्लस सी इन या सी इंटू ए एक्सोर बी, उस फॉर्म में लिखा जाता है, याद रखना। अब उसमें कितना लगेगा, तो फुल एडर बनाने के लिए दो हाफ एडर एक और गेट की जरूरत होती है, ये मैं बता दिया, और फिर जनरलाइज फार्मूला नोट में लिखा दिया। अगर एन बिट का फुल एडर डिजाइन करना है तो एन माइनस वन हाफ एडर लगेगा और एन माइनस टू और गेट लगेगा मुझे। ओके, और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करवा लिए, इतना पढ़े हैं आज के क्लास में, ये हुआ टोटल मतलब समरी ऑफ दिस क्लास। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं न्यू क्लास में, न्यू जोश, न्यू एनर्जी के साथ, तब तक आप लोग जुड़े रहिए जेनी के साथ और इन्जॉय करते रहिए सुपर फॉर्म में सौरिया बैच को। ओके, थैंक यू सो मच।